हाय गाइस, संजय चैनल फिटनेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग कुड एवर पॉसिबल हो सकती है नेचुरली। ये उसका पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल हो सकती नेचुरल कि नहीं। पार्ट टू, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि अगर आप नेचुरल फिजिक अच्छी है, अगर आपकी जीनेटिक्स अच्छे हैं, आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप नेचुरली कम्पीट कर सकते हैं नेचुरल एथलीट्स के साथ में। आप नेचुरल फिजिक लेके अननेचुरल और इन्हेंस्ड एथलीट्स के साथ कम्पीट नहीं करते। तो ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबल है नेचुरली। तो ये मैं अपनी राय अपने आपके सामने रखना चाहता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक इस स्पोर्ट को लेके, कि ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो सकता है। देखिए, अगर आप अपने कोई भी कंपटीशन देखते होंगे या फिर वहाँ पे आप जाते होंगे, आपने कोई भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा होगा, वहाँ के जो एथलीट्स होते हैं, लोग उनके लिए चैंट्स करते हैं, हूट करते हैं जब वो स्टेज पे अपनी फिजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके अंदर वो एक मैसिवनेस दिखती है। कोई भी मतलब बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन आप देख समझ लीजिए, लोकल कॉम्पिटिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ, जैसे शेरू क्लासिक अभी हाल ही में हुआ है, मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन, प्रो शोज वगैरह होते हैं, तो उसमें आप जो फिजिक्स देखते हैं स्टेज पे, आप देखते हैं कि कितना मैसिव स्ट्रक्चर है एथलीट्स का, अलग अलग मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक के और ओपन बॉडी बिल्डिंग के जो एथलीट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो वो अट्रैक्ट करते हैं व्यूअर्स को। उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, गाँव से आते हैं कि एथलीट्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। और अगर इसका ही कंपेरिजन अगर अपन किसी नेचुरल शो से करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर एथलीट्स जो प्रेजेंट करते हैं अपनी फिजिक को, वो काफ़ी मतलब इतने मैसिव तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब जो कैपेबल हैं, मतलब अपने उसको स्ट्रक्चर को मतलब दिखाने में, तो वो अच्छा दिखाते हैं। जैसे हाल ही में एक HSF कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें भी काफ़ी बवाल हुआ था, कुछ एथलीट्स उसमें डोपिंग में फेल हुए थे, उनके नाम भी रिप्रेजेंट हुए थे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी नेचुरल शो अगर होता है, तो वहाँ पे जो व्यूअर्स होते हैं उनको वो चाहिए मैसिवनेस देखने के लिए। उनको एथलीट्स देखने, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं जो मैसिव दिखें, जो अननेचुरल नहीं दिखें। और इसका एक एग्जांपल ये भी बताता हूँ कि 1990 मिस्टर ओलंपिया जो हुआ था वो नेचुरल हुआ था, और उसमें जो एथलीट्स खड़े थे ली हने के साथ में, दूसरे एथलीट्स जो थे वो काफ़ी फीके थे उनके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से, और डोपिंग बिल पास हुआ था उस टाइम पे, और जितने भी बहुत सारे एथलीट्स को तो बैन कर दिया था, तो बहुत गिने चुने एथलीट्स ही खड़े हुए थे स्टेज पे 1990 मिस्टर ओलंपिया के, और वो काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे थे जैसे वो पहले दिखाई करते थे। तो उन्होंने अपने सारे स्टेरॉइड्स को बंद कर दिया था कॉम्पिटिशन के प्राय, तो जब वो स्टेज पे आया तो काफ़ी छोटे थे, तो लोगों ने उसको काफ़ी मतलब नेगेटिव रिव्यू करा, मतलब उन्होंने उसे पसंद नहीं किया उस शो को, और काफ़ी मतलब वो लीस्ट इम्प्रेसिव ओलंपियाज अभी तक मतलब इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है। और हाल ही में अभी जीत सलाल, अब मैं बात करूँगा जीत सलाल के बारे में, HSF जो हुआ था, उन्होंने जीत सलाल ने काफ़ी मेहनत करके एक नेचुरल शो को इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया, काफ़ी उन्होंने पैसा अपनी जेब से भी लगाया था, लेकिन वो शो को लोगों ने ही नहीं होने दिया। अगर वहाँ एथलीट्स अगर नेचुरल, फिर उसमें से कुछ सारे बहुत से एथलीट्स ऐसे थे HSF में जो अभी डोपिंग में फेल हुए, उनका नाम आया था, तो और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जीत सलाल ने दिया था। जीत सलाल ने भी अपनी तरफ से क्लियर करा बाद में दूसरे यूट्यूब चैनल पे, कि उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करी उस चीज़ को बढ़ाने की, करने की, प्रमोट करने की नेचुरल को, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हुई, वो आज के टाइम में पॉसिबल हो भी नहीं पाएगी। और उन्होंने, जीत सलाल का कभी भी कोई इंटेंशन किसी भी इन्हेंस्ड स्पोर्ट के खिलाफ नहीं रहा है, वो तो अपना एक वो बताना चाहते हैं कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे भी ऐसी कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें जो एथलीट्स जेनेटिकली गिफ्टेड हैं, सुपीरियर हैं, जो नेचुरली अपने लेवल पे उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, तो वो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था HSF का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसमें मैं जीत सलाल के इस योगदान को मैं मतलब अपनी तरफ से काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। तो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग चाहे नेचुरल हो या अननेचुरल हो, दोनों ही जगह पे, दोनों ही प्रोसेस में काफ़ी टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि इनहेंस बॉडी बिल्डिंग ख़राब है या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ख़राब है, ये आपके एक उस पर डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव पे। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात आ जाती है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक मतलब बहुत कम लोग ही इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर आप 1% की या 2% की पॉपुलेशन है वही बॉडी बिल्डिंग को पसंद करती है पहली बात तो, और ये काफ़ी मतलब रिस्की और स्पोर्ट है, और काफ़ी मतलब अभी के टाइम में काफ़ी अनहेल्दी भी हो गया है। कुछ व्यूवर्स मेरी
इस चीज़ से सहमत हुए नहीं हो, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जहाँ स्टेरॉइड्स की यूज़ वाली बात आती है, अगर कोई बॉडी बिल्डर की डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो उसका रीज़न भी स्टेरॉइड्स को ही दिया जाता है, इनहेंस होने के लिए दिया जाता है कि वो इतना श्रेडेड था, वो इतने यूज़ करता था। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर की डेथ हो जाती है रिसेंट में, तो सारी अटकलें यही लगाई जाती है कि स्टेरॉइड्स की इसी की वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन वो उसका कॉज कोई दूसरा भी हो सकता है। अगर बॉडी बिल्डर अगर कोई जवानी में मर गया है, 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल की एज में मरा है, तो सबसे पहला शक उसके स्टीरॉयड यूज़ करने पे ही जाता है लोगों का, भले उसकी डेथ पता नहीं दूसरे कॉज से हुई हो या नेचुरल डेथ हुई हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। लेकिन अगर स्टीरॉयड्स कॉम्पिटिटिव लेवल बॉडी बिल्डिंग का आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप आजकल डिस्ट्रिक्ट्स और नेचुरल ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन्स पे भी अगर बात करें, तो वहाँ भी कुछ लड़के कम्पीट नेचुरली करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वैसे बंदे होते ही हैं जो स्टेरॉइड लेके उतरते हैं। तो नेचुरल कंपटीशन जो बॉडी बिल्डिंग का, वो भी कम्प्लीटली नेचुरल भी अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हाल ही में वो HSF का जो मैंने अभी बताया उसका तो हुआ ही सही केस, और उसके बाद कुछ मतलब लेवल के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं नेचुरल कॉम्पिटिशन में, ताकि कि दूसरी फिजिक्स, तो मतलब हर जगह मतलब वो कम्प्लीटली नेचुरल भी नहीं, उसे अपन अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हैं किसी नेचुरल कॉम्पिटिशन को। तो मतलब इतना मतलब एक जीतने की ललक और जुनून एक मतलब व्यक्ति को इस उस तक ले जाता है। और आज का टाइम वैसे ही बॉडी बिल्डिंग के लिए मतलब बहुत जोखिम भरा हो गया है, और आजकल जो भी एथलीट्स वगैरह हैं, अगर कम्पीट करने के लिए सोचते हैं या फिर कम्पीट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे बेचारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही कम्पीट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे उनके निजी कारण होते हैं और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं उस लोगों की, कि आप पता ही है बॉडी बिल्डिंग में कितना खर्चा होता है, आप जानती हैं आप। लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है अपने जगह पे, और लोग अपना अपना काम, अपने अपने जो उन्होंने अपने रास्ते चूज़ कर रखे हैं, जो पाथ चूज़ कर रखा होना वो उस पर चल रहे हैं। तो मेरे को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ तक आज के टाइम, ये मेरा ओपिनियन है कि आप नेचुरली पॉसिबल कम्पीट बॉडी बिल्डिंग को नहीं कर सकते हैं। तो लाइक शेयर करें संजय सेमी फिटनेस को। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।